आलम इस्लाम के मुमताज दानिश्वर और मुफक्किर बानी और सरपरस्त तहरीक मिनहाजुल कुरान पाकिस्तान हजरत अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की खिदमत में नहायत अदब से माइक पेश करता हूँ और उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि आज की इस महफिल की मुनासबत से अपने ख्यालात से हमें नवाजें। हजरत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब। ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم محترم حضرت साहबजादा साहब ज़ेब आस्ताना आलिया हज़रत ख्वाजा जिंदा पीर गमकोल शरीफ मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ इज़ाम खुलफ़ाए कराम उलमाए ग्रामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने हमें इस बरकत और सआदत वाली मजलिस में जमा होने की तौफीक अता फरमाई। वक्त मुख्तसर है, मैं बिला तमहीद चंद ज़रूरी बातें इस मौजू की मुनासबत से अर्ज करना चाहूंगा। आज जो नुक्ता मैं हजरत ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पहले और से मुबारक के मौका पर समझाना चाहता हूं वो ये है कि मौत क्या है और उर्स क्यों है। मौत क्या है और उर्स क्यों है। मौत के बारे में लोगों का तसव्वुर मुगालते और लाइल्मी का शिकार है। जिन लोगों तक इल्म और हिदायत की सही रोशनी नहीं पहुंची
या वो जानबूझकर अपने आप को इससे महरूम रखते हैं। वो ये समझते हैं कि मौत से इंसान खत्म हो जाता है। जिनके ख्याल में मौत इंसान को और इंसानी जिंदगी को बिल्कुल ख़त्म कर देती है और बाद में कुछ नहीं रहता, उस नुक्ता नज़र से न उर्स का जवाज रहता है न कोई ज़रूरत रहती। जब मौत के बाद रहा ही कुछ नहीं तो उर्स किसका? ये दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई। अगर मौत का सही माना समझ में आ जाए तो उर्स क्या है और उर्स क्यों है खुद ब खुद समझ में आ जाता। पहली बात ये ज़हन नशीन कर लें कि मौत इंसानी ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगी के एक अगले दौर का नाम है। मौत एक दरवाज़ा है जिसमें इंसान अपनी ज़िंदगी के एक दौर से निकलकर इस मौत के दरवाज़े से दूसरे दौर में दाखिल हो जाता है। इस तरफ आगे आने की बजाय मैं इब्तिदा कुरान मजीद की उसी आयाए करीमा के उन मुकद्दस अल्फाज से करता हूँ जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत की तारीफ़ फरमा दी। और कुरान में मौत की हकीकत बयान हो जाने के बाद किसी मुसलमान को ये हक नहीं पहुंचता कि वो उसका अलग और मुख्तलिफ माना मुकरर करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को हर शख्स को मौत का जायका चखना है। कुरान मजीद ने मौत को जायका करार दिया। ये बात तवज्जो तलब है। मौत को बोलिए जायका करार दिया। जायका एक कैफियत होती है, उसका अपना कोई मुस्तकिल वजूद नहीं होता। जायका एक कैफियत है। आप केला खाते हैं, सेब खाते हैं, स्वीट डिश खाते हैं, पुलाव खाते हैं, कोई खाना जो आप खाते हैं तो खाना तो अपना एक वजूद रखता है। मशरूब पीते हैं, शरबत पीते हैं तो उसका एक अपना वजूद है, मगर जब वो आप खाते हैं या कोई मशरूब पीते हैं उस खाने पीने के नतीजे में आपकी ज़ुबान पर जायका वारिद होता है। वो जायका एक कैफियत होती है, जैसे खुशबू एक महक है, उसका कोई मादी और हिस्सी वजूद नहीं। जायका एक कैफियत है चखने से मुतालिक, उसका कोई अलग मादी और हिस्सी वजूद नहीं। तो जायका एक आर्जी कैफियत है जो आती है और थोड़ी ही देर में आप उठ के ब्रश करते हैं तो जायका जा चुका होता है। उसके बाद कोई और फल खा लेते हैं तो पिछला जायका खत्म हो चुका होता है। कुली कर लेते हैं तो जायका, तो जायका इतनी ताकत का हामिल है कि पानी की एक कुली से भी खत्म हो जाता है। यह जायके की हकीकत है। पानी की एक दो बार कुली करने से जायका खत्म हो जाता है। चूंकि जायका बेहसियत चीज है और बेहकीकत चीज है, इसलिए रब्बे कायनात ने आपको और हमें मौत की हकीकत समझाने के लिए उसे जायका करार दिया। चूंकि जायके की समझ हर एक को होती है, रोजाना 10 बार जायका आता है और 10 बार जायका जाता है। बुखार हो जाए तो जायका बदल जाता है, सेहत याबी हो तो जायका बदल जाता है। चूंकि इंसान रोजाना जायके को महसूस करता है, इसलिए रब्बे कायनात ने फरमाया लोगों इस मौत को जानना चाहते हो कि यह मौत क्या है? यह मौत एक जायका है जो हर इंसान चखता है, और जायका होने की नौइयत से मौत जायका बनकर आती है
और आकर चली जाती है, आकर चली जाती है। लिहाजा इस जायका मौत की ये क्या मजाल कि इंसान जैसी हकीकत को खत्म कर सके, इस जायका मौत की क्या मजाल कि इंसान जैसी हकीकत को खत्म कर सके। तो मौत इंसान को खत्म नहीं करती। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाया करते थे, इन्नमा खुलिकतुम लिलअबद इन्नमा तुनकलून मिन दारिन इला दार। लोगो तुम एक बार जब पैदा कर दिए गए तो हमेशा के लिए पैदा कर दिए गए, अब तुम एक घर से दूसरे घर में सिर्फ मुंतकिल होते रहोगे, खात्मा नहीं होगा। अदम था, इंसान के पैदा होने से पहले अदम था, बस उस वक्त वजूद नहीं था। अब जब इंसान आ गया तो अदम खत्म हो गया। जब इंसान पैदा होता है बच्चा, यह भी मुगालता है कि हम समझते हैं कि शायद हमारी जिंदगी की इब्तिदा हुई है। पैदाइश जिंदगी की इब्तिदा बोलिए नहीं है, वो तो मां के पेट की दुनिया में था जिसे हमने पैदाइश कहा। वो मां का पेट, मां का बतन एक दुनिया थी और बच्चा उसमें भी जिंदा था। अगर बच्चा अंदर मर जाए तो तवल्लुद होता है? मां का पेट चीर के फाड़ के निकाल के फेंक देते हैं। मेरी बात समझ लें, अगर बच्चे को मां के पेट में जिंदगी न हो तो ना मां जिंदा रहे ना उसका तवल्लुद हो। तो पैदाइश तो नाम ही एक ऐसे वजूद का है जो पैदाइश से पहले भी जिंदा होता है, जो पैदाइश से पहले भी जिंदा होता है। अगर पहले जिंदगी न हो तो पैदाइश ही ना हो। मुर्दा बच्चा होता है पैदा होता। तो पैदाइश से इंसान की जिंदगी का आगाज नहीं हुआ, जिंदगी पहले से थी। सिर्फ क्या हुआ, माँ के पेट की दुनिया से निकाल कर उसे इस आलम शहादत में मुंतकिल कर दिया। तो जिस तरह पैदाइश इंसानी जिंदगी की इब्तिदा नहीं है, इसी तरह मौत इंसानी जिंदगी की इंतहा नहीं है। इंसान जैसे पैदाइश से पहले भी जिंदा था मगर उसकी जिंदगी का मकान और था, इसी तरह पैदाइश के बाद भी जिंदा है मगर जिंदगी का मकाम और है। मकाम और है। तो मौत इंसानी जिंदगी का उसी तरह एक तसलसल है जिस तरह पैदाइश तसलसल था। और मां के पेट में आने से इंसान की इब्तिदा हुई नहीं, उसकी इब्तिदा तो उस वक्त से है जब उसकी वो मां भी पैदा नहीं हुई थी, वो तो आलम अरवा में थे। तो इंसानी जिंदगी के दौर हैं, कभी उसका जहूर आलम अरवा में होता है, कभी उसका इंतकाल आलम बतन मां के पेट में होता है। और ये भी हदीस में है, और उरफा औलिया ये बात कहते, सहाबा और ताबईन ने भी ये बात कही कि बच्चा जब मां के पेट से निकलता है तो रोता हुआ आता है, रोता हुआ आता है। क्यों? इसलिए कि जब तक वो मां के पेट में था उसने समझा कि यही जिंदगी है और यही दुनिया है, उसकी समझ इतनी ही थी। यह अगला नुक्ता है, उसकी समझ इतनी ही थी, बच्चा था मां के पेट में, वो समझता था यही जिंदगी है और यही सारी दुनिया है। जब उसे उस घर से निकाल दिया गया और इस दुनिया में भेज दिया गया तो वो रोने लगा कि शायद मुझे जिंदगी से निकाला जा रहा है और मुझे दुनिया से निकाला जा रहा है। लेकिन उरफा कहते हैं, बल्कि ताबईन और सहाबा कराम और ताबईन ने अहादीस कुतुब अहादीस में रिवायात में आया कि जब वो बच्चा इस दुनिया में आके रोशनी देखता है तो उसको उस वक्त पता चलता है कि मैं तो मुगालते में था, वो तो एक छोटा सा कैद खाना था, दुनिया तो ये है और वो जिंदगी नहीं, वो हब्स थी, कैद थी।
असल जिंदगी तो ये है। तो जब तक रोशनी अगले जहां की देखी न थी, उस जहां से निकलकर इस जहान में आते हुए रोता था, और जब उसने इस जहां की रोशनी को देख लिया, अब कोई उसे कहे कि पलट कर उसी जहान में जहा जहां 9 महीने रहा है, वो बच्चा जाने का नाम नहीं लेगा। वो समझेगा कि मैं तो मुगालते में था, वो तो कैद खाना था, जिंदगी तो आज मिली है। उरफा कहते हैं, रब्बे कायनात की इज्जत की कसम, जिस तरह बच्चा पैदाइश के वक्त रोता था, मगर इस जहान की रोशनी देखकर पलटकर उस दुनिया में जाने का नाम नहीं लेता। इसी तरह मर्द मोमिन जब इस दुनिया से सफर करता है, वो आया था तो खुद रोता था, मोमिन जाता है तो जहान रोता है, मगर उसका मोमिन की रूह जब अगले आलम बरज़ख में जाकर देखती है तो उसे सारी दुनिया माँ के पेट की तरह छोटी नजर आती है, और वहां फरिश्ता जब वो इस दुनिया से मौत के दरवाजे से गुजर कर आगे जाता है आलम बरज़ख में, तो वहां की रोशनी देखता है। पर्दे हिजाबात उठा दिए जाते हैं, फर्श से अर्श तक और जमीन से जन्नत तक सारे आलम खोल दिए जाते हैं, और जब उन आलम की वसअतें देखता है, अनवार व तजल्लियात अंबिया देखता है, तजल्लियात अरवाह औलिया देखता है, अनवार मलाइका देखता है, और जन्नत की फिजाएं देखता है, और खुशबूएं हवाएं देखता है, कोई उसे कह दे मर्द मोमिन आ पलट कर फिर तुम्हें पाकिस्तान ले जाएं, वो कहता खुदा की कसम जब तक वहां था खबर न थी कि जिंदगी क्या है, पता चला कि दुनिया तो ये है, वो कैद खाना था। फिर वो पलट के जाने का नाम नहीं लेता, इसलिए कि गाड़ी हमेशा पहले गियर से दूसरे में जाती, फिर तीसरे में जाती, फिर चौथे में जाती, पांचवें में आगे जाती है, रिवर्स गियर लग जाए तो मामला खराब हो जाता है। वो कहता मैं तो सुए मंजिल जा रहा हूँ, मैं तो सुए और अपने वतन की तरफ जा रहा हूँ। इस कैद खाने को वो परदेश जानता है मोमिन, और मौला की बारगाह को देश जानता है। वो समझता है कि परदेश की मुद्दत कैद की मुद्दत खत्म करके अब मैं सुए वतन जा रहा हूँ। अब जब वतन की हवाएं आने लगती हैं, देश की खुशबूएं आने लगती हैं, पलट कर परदेश में जाना कौन पसंद करता है। इसलिए जब मोमिन इस दुनिया से मर्द मोमिन रुखसत होता है, तो वो मुस्कराता हुआ जाता है और पिछले रोते रह जाता है। वो मुस्कराता जाता है क्योंकि अब वो सुए मंजिल और देश और वतन की तरफ जा रहा है, और तंग दुनिया से निकलकर खुली बड़ी दुनिया की तरफ जा रहा है। इसलिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, अल मौत तुहफतुल मोमिन। फरमाया कि मौत, वो पहले कुरान था अब हदीस, मौत मोमिन का तोहफा है। ये मौत की तारीफ है जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। अब देख लें कि हम इल्म का नाम लेते हैं और कुरान के दर्स देते हैं और वाज करते हैं, और हम क्या समझते फिरते हैं, और कुरान और अल्लाह का रसूल क्या फरमाता है। हम समझते हैं मौत मर गए मिट गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत मोमिन का तोहफा है। आका अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, लैस लिल्मुमिन राहतुन दून लिकाइल्लाह, और लैस लिल्मुमिन राहतुन दून अल-मौत। फरमाया कि मौत से बेहतर मोमिन की राहत ही कोई नहीं, क्योंकि मौत के जरिए उसे अपने महबूब की मुलाकात नसीब होती है, लिहाजा सारी राहतें मौत की राहत पे कुर्बान हो जाती। मौत के जरिए उसे महबूब की मुलाकात नसीब होती, सो सारी राहतें कुर्बान हो जाती। अब मोमिन की
मौत कैसे वाकई होती, मोमिन की मौत कैसे वाकई होती, अल्लाह के वली की, सालेह की, मुत्तकी की, मोमिन की मौत क्या है। हदीस पाक में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात, ये हदीस बड़ी तवज्जो से सुनने समझने याद रखने वाली। मेरा ख्याल है कि आप में से अक्सर ने जिंदगी में नहीं सुनी होगी, किसी ने सुनी तो बड़ी कम। ये बात याद रखने वाली, मौत कैसे वाकई होती। मर्द मोमिन की मौत का जब वक्त आता है, हम जुलूस का भी इनकार करते हैं ना, आज के ज़माने में लोग जुलूस का बोलिए इनकार करते, मोमिन की रूह भी जुलूस में ले जाई जाती, मोमिन की रूह बोलिए जुलूस के साथ जाती। हदीस पाक में है 500 मलाइका का वफद हजरत मलकुल मौत की क़यादत में आता है। ये वली की रूह है, किसी आम आदमी की बात नहीं है। रूह कब्ज करने के लिए 500 फरिश्तों का वफद आता है, जलूस लेकर मलकुल मौत आते हैं, मलाइका 500 नूरानी सूरज की तरह चमकते हुए चेहरों के साथ उस मोमिन के सामने बैठ जाते हैं। और मलकुल मौत मर्द मोमिन के पास आकर, हदीस पाक में है, मालूम है क्या कहता है, आम आदमी के पास तो जाएगा तो रूह कब्ज़ कर लेगा, जाकर रूह कब्ज़ कर लेगा, मगर मर्द मोमिन, मर्द वली, मर्द हक, जो अल्लाह का महबूब बंदा है, जो अल्लाह का दोस्त, उसका मुकर्रब और उसका प्यारा है, जब उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आता है तो मलकुल मौत आकर उनको सलाम करता है, अपनी तरफ से सलाम कहकर। उसके बाद मैं हदीस के अल्फाज बयान कर रहा हूँ, फिर वो कहते हैं या वली अल्लाह, अल्लाह युकरियो का अलैका सलाम, अल्लाह युकरियो अलैका सलाम, ए अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है। या वली अल्लाह का लफ्ज़ कहते हैं मलकुल मौत, ए अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह युक्रियो का सलाम, अल्लाह आप पर सलाम भेजता, उसने सलाम भेजा है, अल्लाह का वली, अल्लाह के सलाम का फिर साफ जाहिर है तोहफा वसूल करता। इससे बड़ा तोहफा कि जब रब कायनात सलाम भेजे, रब सलाम भेजे, इससे बड़ा तोहफा और क्या होगा। उसके बाद बड़े इकराम के साथ उसकी रूह कब्ज़ होती, और कब्ज़ होकर कब्र में नहीं ले जाई जाती, ये बात बड़ी अहम, कब्ज़ करके रूह को कब्र में नहीं ले जाते। 500 मलाइका के जुलूस में वो रूह ताज़ीम और इकराम के साथ आसमानों की तरफ ले जाई जाती, एक एक आसमान का दरवाज़ा खुलता चला जाता है कि अल्लाह के वली की रूह को लाया जा रहा है। तो उस आसमानी कायनात में मलाइका वलीउल्लाह की रूह पर सलाम भेजते भेजते एक से दूसरे, तीसरे, सातवें आसमान और उससे भी माफोक मलाइका अल्लाह के वली की रूह मुबारक को पहुंचाते, अल्लाह की बारगाह में पेश करते। जब पेश करते हैं तो अर्ज करते हैं, बारी ताला, तेरे फलां महबूब और मुकर्रब बंदे और तेरे वली की रूह हाजिर है। हुक्म होता है कि मलाइका को सजदे करो, तमाम मलाइका अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाते हैं। जब वो सजदा कर लेते हैं तो अल्लाह पाक उनको फरमाता है मुरूह बिसुजूद, अब सारे मलाइका को हुक्म होता है अब मेरे वली को सजदा करवाओ, अब ये मुझे सजदा करे। तो सारे मलाइका ताजीम और इकराम के साथ अल्लाह के वली की रूह को अल्लाह के हुजूर सजदे के लिए पेश करते हैं। मर्द हक अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होता है मलाइका की जुर्मट में, उस पर अल्लाह पाक फरमाते हैं मलकुल मौत को, मीकाइल को फरमाते हैं, मीकाइल को बुलाया जाता है, ये कचहरी लगती है, कब्र का मामला भी नहीं आया,
होता रहेगा, कचहरी लगती है। मिकाइल को बुलाया जाता है, हुक्म होता है मिकाइल मेरे इस वली का नाम मुकर्रबीन में इल्लियीन में लिख ले और कयामत के दिन फिर मैं इसके बारे में तुझसे बात करूंगा। उसका नाम दर्ज हो जाता है मुकर्रबीन की फिरिस्त में। जब दर्ज होता है तो हुक्म होता है अब इस रूह को वापस जमीन की तरफ ले जाओ। फतवाद रूहू फी जसदे ही, ये सुनन अबी दाऊद की हदीस, मुसनद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस, सिहा सित्ता की हदीस। हुक्म आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फतवाद रूहू फी जसदे ही, रब की बारगाह में उस मर्द वली की रूह को सजदा करवा कर मलाइका के जुर्मट में हुक्म होता है कि अब इसे वापस दुनिया में ले जाओ और इस रूह को पलट कर उसी मुकद्दस जिस्म में रख दो मेरे वली के जिस्म में जहां से निकाल के लाए। तो आपने समझा कि रूह जिस्म से जुदा हो गई। वो जुदा हुई किस लिए? हुजूरे बारी ताला में सजदारेज होने के लिए। और सजदारेजी के बाद और अल्लाह की बारगाह की हाजिरी के बाद हुक्म होता है कि वापस ले जाके उस रूह को अल्लाह के वली के जिस्म में लौटा दिया जाता है। उसके बाद वो जिस्म कब्र में रखा जाता है। और हदीस पाक में है फरमाया गया लोगो उस वली के जिस्म को तो तुम दफन करते हो और रूह को फरिश्ते दफन कर रहे होते हैं। दो जनाजे होते हैं, कितने तदफीन होती है। तो फरमाया कि जिस्म को इंसान दफन कर रहे होते हैं और रूह को उस जिस्म अकदस में मलाइका दफन कर रहे होते हैं। तजहीज बदन की भी होती है, तजहीज रूह की भी होती है। बात फकत यह है कि चूंकि मलाइका दिखाई नहीं देते, रूह जब जिस्म में पलट आती उसे कब्र में रख दिया जाता है। क्यों? उसकी मौत को जो राहत कहा उसको दो राहतें मिलती हैं, दो दीदार मिलते हैं, उसको दो दीदार मिलते हैं। एक उसको दीदारे खुदा मिलता है, एक दीदारे मुस्तफा मिलता है। एक वली की रूह को, मर्द मोमिन की रूह को दीदारे खुदा मिलता है और एक दीदारे मुस्तफा। यहां एक बात आपको समझाऊं और एक सवाल करता हूं। आपने बयक वक्त जिले में डीसी को भी मिलना हो और कमिश्नर को भी मिलना हो और सारों की कचहरी लगी हो तो बोलिए तरतीब क्या होती है? पहले डीसी से नीचे छोटे को मिलते हैं और फिर बड़े के पास जाते हैं, या पहले बड़े को मिलकर फिर छोटे के पास आते हैं? बोलिए तरीका क्या है? पहले आप डीसी से मिलते हैं, छोटा मोटा काम वहां होता है, फिर आप बड़े कमिश्नर के पास जाते हैं। अगर आपने वजीर आला को भी मिलना है, वजीर आजम को भी मिलना है, तो पहले वजीर आला सूबे के मामले के होंगे, फिर उसके बाद आप ऊपर वजीर आजम के पास जाएंगे। ये हिफ्ज मरातिब है। जब दो मुलाकातें होनी हो तो पहले छोटी मुलाकात होती है और बाद में बड़ी मुलाकात होती। प्रोटोकॉल तो ये है कि अगर दो दीदार होने हों, दो मुलाकातें होनी हो तो पहले छोटी मुलाकात हो बाद में बड़ी मुलाकात हो। तरीका तो यह है, मगर मर्द मोमिन और मर्द वली के लिए यह तरीका बदल क्यों दिया गया? दीदार खुदा बड़ा है या दीदार मुस्तफा बड़ा है? बोलिए ईमान से कहिए, बारगाह खुदा बड़ी है या बारगाह मुस्तफा? यह अलग बात कि हकीकत में वो एक ही बारगाह हकीकत में ये मौजू अलग है, चूंकि आज मेरा मौजू ये नहीं, मौजू के मुताबिक बात होती है ना, मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता क्योंकि वो एक ऐसा मौजू है, अगर उस तरफ चल पड़ा तो फिर गलियों में घूमते ही रह जाएंगे। दीदारे खुदा भी होना है, दीदारे मुस्तफ़ा भी होना है। प्रोटोकॉल, हिफ्ज मरातिब, दुनिया का तरीका, निज़ाम ये तकाजा करता है कि पहले दीदारे मुस्तफ़ा हो और फिर ऊपर जाके दीदारे खुदा हो। मगर मर्द मोमिन के लिए हुक्म होता है कि इस रूह को सीधा कब्र में मत ले जाओ, इसे मेरे मुस्तफा का दीदार नसीब होना है, पहले मेरे पास लाओ, दीदारे खुदा हो।
پھر دیدار مصطفیٰ ہو۔ باری تعالیٰ ایسا کیوں، پہلے تیرے پاس پھر تیرے حبیب کا دیدار ایسے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کوئی پہلے میرے پاس آئے یا بعد میں میرے پاس آئے، میری بڑائی اور کبریائی میں تو فرق آ نہیں سکتا۔ اسے ادب سکھانا ہے، جیسے پہلے کعبے میں بلاتا ہوں، اپنے گھر کا طواف کراتا ہوں تاکہ گناہ دھل جائیں، روح پاک ہو جائے، گریا و زاری کے آنسو گرے، پاک صاف ستھرا ہو جائے، اور جب ستھرا اور حکم ہوتا ہے کہ کعبے کے بعد اب میرے مصطفیٰ کے پاس جاؤ تاکہ تمہیں دیدار کا ادب آ جائے، میری بارگاہ میں لاؤ تاکہ سجدہ کرے۔ کوئی آلودگی گناہ کی صغائر کی چھوٹی موٹی رہ گئی تھی تو میری بارگاہ کی حاضری سے دھل جائے، اجڑا ہو جائے، اور جب روشن اور منور ہو تب قبر میں نہ جاؤ تاکہ مصطفیٰ کے دیدار کے قابل ہو۔ روح جسم میں ڈال دی گئی، مرد مومن کا جسم اقدس قبر میں لٹا دیا گیا، اس کے بعد ملائکات۔ آپ نے یہ حدیث ہمیشہ سنی، کتنے سوال ہوتے ہیں بولیے۔ میں آج ایک اور حدیث صحاح ستہ سے ہی، صحیح مسلم سے، صحاح ستہ سے حدیث صحیح سنا رہا ہوں، فقط ایک سوال ہوتا ہے۔ ایک سوال ہوتا، تین سوالات بھی حق ہیں، چونکہ احادیث مبارکہ، احادیث صحیحہ، متفق علیہ حدیث، اس کی تفصیل بعد میں دوں گا کہ دونوں میں پھر ربط کیا ہوا، وہ بعد میں سمجھاتا ہوں۔ تین سوالوں کی حدیث تو سنی نا، آج ایک سوال والی حدیث سن لو، یہ بھی سیاستہ میں حدیث صحیح مسلم میں، ایک ہی سوال ہوتا ہے جب مومن لٹا دیا جاتا ہے، اور جب سوالات کی باری آتی ہے تو وہاں مومن غیر مومن سب سوالات کے لیے برابر ہو جاتے ہیں، متقی اور فاسق بھی برابر ہو جاتے ہیں، مومن اور کافر بھی برابر ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی سوال ہوتا ہے اس حدیث پاک کی روح سے، اور پوچھا جاتا ہے بتا اس ہستی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا، ایک ہی سوال۔ اور ایک روایت میں حدیث میں ہے وہ پوچھتا ہے من، کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ ملائکہ جواب میں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہستی محمد مصطفیٰ کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا اور تیرا عقیدہ کیا تھا؟ ایک ہی سوال ہوتا۔ اب وہ دوسری حدیث بھی لے لیتے ہیں جس میں تین سوال ہوتے ہیں، پھر دونوں کو ملا کے تطبیق کر دوں گا۔ اس حدیث کے مطابق تین سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال وہ معروف ہے، پوچھا مر ربو کا تیرا رب کون ہے؟ یہ بات توجہ طلب ہے، جواب آ گیا تب بھی دوسرا سوال ہوگا، جواب نہ آیا تب بھی، یعنی مر ربو کا تیرا رب کون ہے؟ اس نے بتا دیا اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، بس اس بتا دینے پر، رب کو پہچان لینے پر حساب کتاب ختم نہیں ہوتا، امتحان ختم نہیں ہوتا، امتحان ختم۔ پھر اگلا سوال پوچھا جاتا ہے، جو بتا دے رب پہچان لے اس سے بھی پوچھتے ہیں، جو نہ پہچان سکے اس سے بھی۔ دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے؟ جو بتا دے میرا دین اسلام ہے، اس کا حساب کتاب ختم نہیں ہوتا، اور جو کہے پتہ نہیں کیا ہے اس سے بھی ختم۔ دونوں سے آگے تیسرا سوال ہوتا ہے، اب دونوں کی تطبیق کر رہا ہوں۔ اگر فیصلہ کن سوال پہلا ہوتا کہ تیرا رب کون ہے، اگر یہ سوال حتمی قطعی اور فیصلہ کن ہوتا، جس کو کمپلسری کوسچن کہتے ہیں، پرچہ دیتے ہیں نا، جب آپ پرچہ تو آپ لکھتے ہیں 10 میں سے کوئی سے 5 یا 6 سوال کریں، اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، مگر ایک لکھا ہوتا ہے کہ اس میں سے فلاں سوال لازمی ہے، یعنی 6 سوال کرنے ہیں، اگر 5 کے جواب دے بھی دیے
और उस एक लाजमी सवाल का जवाब न दिया तो फेल हो गए। एक सवाल लाजमी कर दिया जाता है। ये पर्चा जो कब्र के इम्तिहान में आता है इसमें तीन सवाल पूछे जाते हैं, मगर हुक्म होता है कि आखिरी सवाल लाजमी है। पहले दो का जवाब दे भी दो कि रब अल्लाह है, दीन इस्लाम है, मगर मुस्तफा की पहचान न कर सको तो फेल कर दिए जाते हैं। और अगर पहले दो सवालों में कमजोरी भी रहने वाली हो और तीसरे का जवाब सही दे तो उसे पास कर दिया जाता है। तीसरा सवाल होता है, बता इस हस्ती के बारे में तेरा अकीदा क्या है। अगर वो कह ले कि हाँ ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, आकाए दो जहां है, पहचान ले, इस पर मलाइका का हुक्म होता है बस पर्चा खत्म, इम्तिहान खत्म। तो गोया रब की पहचान भी पहचान मुस्तफा में है और दीन इस्लाम की पहचान भी पहचान मुस्तफा में है। जिसे मारिफत मुस्तफा हो गई, जिसे पहचान मुस्तफा हो गई, उसे रब और इस्लाम की पहचान खुद ब खुद नसीब हो गई। और जो उम्र भर फकत रब की पहचान में फिरता रहा या सिर्फ इस्लाम और दीन की पहचान करता रहा और उसने कमली वाले की पहचान न की, उसकी पहचान भी गई और ईमान भी गया। वो पहचान कबूल होगी जो पहचान उसे मारिफत मुस्तफा तक पहुंचा दे, उसे कुर्बत मुस्तफा तक पहुंचा दे, उसे गुलामी मुस्तफा तक पहुंचा दे। सारी पहचाने मुस्तफा की पहचान में जम हो जाती। जब आका को पहचान लेता है तो हदीस पाक में है, सही बुखारी मुस्लिम हर जगह है, उसको दो नजारे कराए जाते हैं। एक तरफ जन्नत का बाग खोल दिया जाता है, एक तरफ दोजख का बाग खोल दिया जाता है, दोजख की आग खोल दी जाती, दोनों चीजें देखता है, जन्नत भी दोजख भी। मलाइका कहते हैं मुस्तफा को पहचान लेने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू हुजूर को पहचान न सकता, न पहचान सकता, तो तेरा ठिकाना ये दोजख था, ये ठिकाना दोजख था, देख ले। हदीस के अल्फाज हैं, अब्दलकल्लाह, तेरे मुकाम को अल्लाह ने बदल दिया पहचान मुस्तफा की खातिर, और तेरी दोजख जन्नत में बदल गई। और जो नहीं पहचान सकता हुजूर को, उसे हुक्म होता है अगर तू मुस्तफा को पहचान लेता तो तेरा ठिकाना ये जन्नत होता। तो हुजूर को ना पहचान सकने की खातिर तेरी जन्नत दोजख में बदल दी गई। मर्द मोमिन जब पहचान करता है उसको फिर जन्नत के बाग उस पर खोल दिए जाते, अनवार का नुजूल होता है, कब्र को अब कब्र नहीं रहती जिसमें आप छोड़ के आए थे, वो वसी कर दी जाती है, उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का नुजूल होता है, इकराम होता है। उस वक्त वो अल्लाह का वली कहता है, उसे मुबारकबाद दी जाती है, मुबारकबाद, वो कहता है मुझे अब छोड़ दो, मैं जाकर अपनी कामयाबी की खुशखबरी घर वालों को बताऊं, घर वालों को बताऊं। उस पर मलाइका कहते हैं नौमत अलउरूस, फरमाते हैं नहीं, अब मौत से उर्स तक, मौत से उर्स तक। मलाइका कहते हैं कि नहीं अभी नहीं, अब यहां लेट जा, यहां सो जा, और ऐसी नींद सो जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, ऐसी नींद सो जो पहली रात की दुल्हन सोती है। अब तुझे सिवाय तेरे महबूब के और कोई उठा नहीं सकता। पहली रात की दुल्हन शादी, नम का नौमतिल उरूस, शादी की रात, पहली शादी की रात की दुल्हन वाली नींद सो जा। दो नुक्ते तवज्जो तलब हैं। उरूस का लफ्ज, उरूस कहते हैं शादी को, उरूस कहते हैं शादी को। सवाल पैदा हुआ कि ये तो लोग मर गए माजल्ला, इनका उर्स क्यों? हां, जो मर गए उनका उर्स नहीं होता, ये बात हम मानते हैं, जो मर गए उनका उर्स नहीं होता, कि उनका उर्स होए क्यों? वो तो मर गए, उर्स क्यों? और जिनका उर्स होता है वो मरे नहीं। पूछे कि ये बात आपने कहां से घड़ ली, कहां से बना ली, क्या पीरों ने समझा दिया,
क्या खुद घड़ ली अपने पास से? नहीं, किसी ने नहीं समझाया, ताजदार कायनात ने समझा दिया। हदीस सही के लफ्ज हैं, फरमाया सोजा का नौमतिल उरूस, उर्स से उरूस है, जैसे शादी की रात दुल्हन सोती है ऐसा सोजा। तो उर्स चूंकि इस रात वली की वफात पर जो पहली रात कब्र की आती है, हदीस मुस्तफा के मुताबिक वो रात उसकी शादी की रात होती है, वो रात उसकी हकीकी शादी की रात होती है। तो साल के बाद जब पलट कर वो रात आती है, वो रूह कब्र में फिर खुशी से महक उठती है, क्योंकि ये वो रात है जब वो कैद दुनिया से निकल कर महबूब की मुलाकात में आया था। जिस दिन पर्दा उठा था उसे दीदारे खुदा हुआ था, उसे दीदारे मुस्तफा हुआ था। अरे आपकी और हमारी शादियां दुनिया के मिलाप से हैं, वली की शादी खुदा और मुस्तफा के मिलाप से है। चूंकि उस रात को फरमा दिया ये शादी की रात है, इसलिए हर साल उर्स की शक्ल में उस वली की रूहानी शादी मनाई जाती है। अल्लाह के वली की रूहानी शादी की सालगिरह होती है। उर्स की आप तारीफ सुन ले, वली की रूहानी शादी की सालगिरह को उर्स कहते हैं। याद रख लें जुम्मा, वलीउल्लाह की रूहानी शादी की सालगिरह को उर्स कहते हैं। हर साल जब वो दिन आता है, वो रात आती है, उसके मिलाप की रात, लिकाए यार की रात, तो वो शादी में बदल जाता है, वो उर्स होता है। एक तो ये बात तवज्जो तलब हुई, दूसरी बात क्या तो बोलिए कि जब शादी होती है आप फूल नहीं चढ़ाते, शादी में सेरे फूल नहीं डालते दूल्हा को, दुल्हन पे दूल्हा पे फूल की पत्तियां निशावर नहीं करते, तो शादी का हिस्सा है ना। तो कोई पूछे कि उस वली की कब्र पे फूल क्यों डालते हो, पत्तियां क्यों निछावर करते हो, उसे कहें कि ये उस वली की शादी की रात है, हम तो शादी की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। और आखिरी बात वो ये कि ये सवाल बाज लोग कर देते कि हदीस में लफ्ज है सोजा, लफ्ज है इसका मतलब है वो तो अब सो गए, तो जब सो गया अंदर तो उसे क्या खबर, वो तो सो गए, तो जब सो गए तो आप क्या लेने जाते। इसका जवाब भी सुन लें कि सोने की हकीकत नहीं समझे। हदीस पाक में आका ने फरमाया नम नम में नौ मतल उरूस, सो जा, पर कौन सी नींद, पहली रात की दुल्हन वाली नींद। कभी दुल्हन बिस्तर पे लेटती तो है पर कभी सोई भी है, दुल्हन सोती है, वो लेटती है, वो लेटती है, आंखें भी बंद करती है मगर उसे नींद नहीं आती, उसे महबूब का इंतजार होता है। अरे जिस तरह दुल्हन सोती है पर सोती नहीं, इस तरह वली सोता है मर सोता नहीं, वो लेटता है पर सोता नहीं, वो सोकर भी जिंदा रहता है। वो वफात पाकर भी जिंदा रहता है, वो सोकर भी जागता रहता है, वो लेट कर भी तकता रहता है। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अहदीस से किताबें भरी पड़ी हैं कि जिनको वो दुनिया में पहचानता था वो जब उसकी कब्र पे सलाम करने आते हैं तो उनको पहचानता भी है, सलाम का जवाब भी देता है और उसी तरह खुश भी होता है जैसे जिंदगी में मिलने आते थे। इसलिए कि तुन कलून मिनदार इलादार, वो खत्म तो हुआ नहीं, वो तो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गया और वहां मुंतकिल हो गया, ये उसके अमल की मेहनत की दुनिया थी, अब जजा की फल पाने की दुनिया है। यहां वो बोता रहा अब वहां काट रहा है, यहां उसने हल चलाए बीज बोए पानी दिए मेहनतें की मुशक्कतें की, यहां उसने मेहनत की अब वो उस मेहनत के फल काट रहा है, रब की रजा की शक्ल में, कुर्बत इलाह की शक्ल में, दीदारे मुस्तफा की शक्ल में, अल्लाह की नेमतों की शक्ल में, और फिर लम्हा बलम्हा अपने मुतवस्सिलीन की खुशियों पे खुश होता है, उनके गमों पे गमजदा होता है, दुआएं करता है, अल्लाह के हुजूर शफाअतें करता है। ये वजह है कि मर्द वली की कब्र भी जिंदा होती है, मर्द वली की कब्र भी
और उसकी कब्र से फैज मिलता है, इसलिए कि उसकी फैज तो पहले भी रूह से मिलता था, अब भी रूह से मिलता है, और रूह उसकी अबदुल आबाद तक उसको जिंदा और सलामत रखती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो सिलसिले आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में कायम किए, ये चराग हैं, ये गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, ये एक मिसाल देकर ये सिलसिले जो कायम किए इसलिए ताकि कयामत तक आप अपनी सलाहियत और इस्तेदाद के मुताबिक फैज़ मुस्तफ़ा को पा सकें। मैं इसकी मिसाल एक दुनियावी देता हूं ताकि आप बात को समझ जाएं। आपने अपना घर बनाया और आपने चाहा कि बिजली का कनेक्शन ले लूं, बिजली का कनेक्शन ले लूं। आप किसी मौलवी साहब के पास फंस गए, उसने कहा कि कनेक्शन तो डायरेक्ट तरबेला डैम जाके वहां से लो, किसी वास्ते वसीले से कनेक्शन मत लो, डायरेक्ट लो। आप दरख्वास्त लिखकर तरबेला डैम पहुंच गए और कहा जी मैंने घर बनाया है कुहाट में, मुझे बिजली का कनेक्शन चाहिए। तो मैंने सुना बिजली तरबेला में पैदा होती है, मैं वास्तों को नहीं मानता, मैं सीधा तरबेला कनेक्शन लेने आया हूं। तो तरबेला डैम वाले कनेक्शन दे देंगे, और अगर वो दे दें तो आप बचेंगे? अगर तरबेला का कनेक्शन मिल जाए तो आप बचेंगे? अरे कोहेतूर नहीं बचा था, आप कहां बचेंगे? कोहेतूर नहीं बचा था, आप कहां बचेंगे? तो तरबेला वाली अथॉरिटी क्या कहेगी, कहां से आए हो? कुहाट। वो कहेगी जाओ कुहाट में एक बिजली घर है, वहां से जाके पूछो। तो तरबेला कुहाट के बिजली घर की तरफ भेज देता है कि मैं अपना बिजली का फैज उस बिजली घर को देता हूं, आगे तकसीम वहां से होती है। आप बिजली घर के पास आए और बिजली घर में आकर कहा उस पावर हाउस में कि मुझे कनेक्शन दो, वो कहेगा नहीं, कुहाट के बिजली घर से भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिलते, तुम उस कनेक्शन को भी संभालने और बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हो। वो बिजली घर कहता है किस मोहल्ले में तुम्हारा घर है? वो कहते हैं गमगोल शरीफ में घर है, फुला मोहल्ले में घर है। वो कहता हमने वहां ट्रांसफार्मर लगा दिया है, उस इलाके का वहां ट्रांसफार्मर लगा दिया है और उस ट्रांसफार्मर की हदें मुकर्रर कर दी हैं। अब जाएं उस ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लें। अरे डायरेक्ट कनेक्शन न तरबेला देता है, डायरेक्ट कनेक्शन न बिजली घर देता है। ट्रांसफार्मर विलायत के इसलिए लगाए कि हर इलाके के लोग तरबेला और बिजली घर जाने की बजाय यानी सिदरतुल मुंतहा और गुम्बद खजरा का फैज अपने अपने ट्रांसफार्मर से हासिल करें। कनेक्शन लेते हैं और जब ट्रांसफार्मर से कनेक्शन मिल जाता है तो ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लेकर एक हिदायत वो भी देते हैं, भाई कभी बिजली तेज आती है, कभी थोड़ी आती है, यहां भी मौज होती है, मौज कभी मौज ज्यादा उरूज पर, कभी नमी पर, लिहाजा तुम अपने घर एसी भी चलाओगे, फ्रिज भी चलाओगे, बल्ब ट्यूबें भी चलेंगी, साथ एक स्टेबलाइजर भी लगा लो। ये उनके खुलाफा होते हैं, स्टेबलाइजर लगा दो, ये औलिया के खुलाफा होते हैं ताकि उनसे जो कनेक्शन फैज का मिल रहा है उसमें कभी कमी बेशी हो तो ट्यूब नहीं जलती, एसी नहीं जलता, फ्रिज नहीं जलता, स्टेबलाइजर के साथ उसकी अप्स एंड डाउन को कवर मिल जाता है। एक निजाम होता है जिस तरह रब कायनात ने बिजली की तरसील का एक निजाम बनाया है, इस तरह फैजान उलूहियत का भी एक निजाम बनाया है। रब कायनात चाहता तो हर बंदे को अपने अनवार उलूहियत बराह रास अता करता मगर नहीं, वही आप में से हर एक को देता मगर नहीं, वो अपना कलाम और उसका फैज एक फर्द पाक को मोहम्मद मुस्तफा को अता फरमाता है और आज से फर्श तक सारी कायनात की तकसीम ताजदार कायनात के कदमों को देता। फिर आकाए दो जहां के फैज की वो तरसील होती है, उसके बिजली घर कोई बगदाद में कायम होता है वो सरकार गौसे आजम कहलाता है, कोई बुखारा सरहंद में कायम होता है वो हजरत शाह नक्शबंद और मुजद्दद अल-फिसानी कहलाता है, कोई अजमेर और हजवेर में कायम होता है वो दाता गंजबख्श और हजरत ख्वाजा अजमेरी कहलाता है, कोई पाक पत्थर में कायम होता है। इस तरह तरसील का निजाम चलते चलते फिर कोई गमकौर में कायम होता है, कोई पिशावर में कायम होता है, कोई कहीं, एक निजाम है फैजान मुस्तफा का जो अपने तयशुदा उसूल के मुताबिक हुजूर की उम्मत को कयामत तक तकसीम होता चला जा रहा है।
यह सिलसिला कुदरत के निजाम में भी मौजूद है, मादी दुनिया में भी मौजूद है, यही सिलसिला रूहानी दुनिया में भी मौजूद है। सिर्फ शर्त यह है कि तरीका वही रहे जो बिजली घर का था, जो ट्रांसफार्मर का था। उन नक्शे कदम को छोड़ा ना जाए। उन्होंने रियाजत की, मुजाहदा किया, मेहनत की, इबादत की, ताद की, इत्तेबा की, इन तमाम चीजों का अजर उन्हें इस मुकाम की शक्ल में मिला। उसके बाद ये कमाई अगले उसी राह पे चलकर, नक्शे कदम पर चलकर, उसी इत्तेबा में, उसी पैरवी में रियाजत करेंगे, मुजाहदा करेंगे, सुन्नत की इत्तेबा होगी, शरीयत तरीकत हकीकत और मारिफत की राह पर चलेंगे, वो रियाजत होगी, उसका कर्म होगा, साहिब मजार का फैज होगा, दुआत शाहों के बाद बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर आप फकत नाम लेंगे और वो काम छोड़ देंगे, नाम लेंगे और वो काम छोड़ देंगे, तो काम छोड़ देने से साहिब मजार अपना दस्त शफकत भी उठा लेता है। वो कहता है मेरी राह से हट गए, मैं निगाह हटा ले। लोगों चाहते हो कि तुम्हारे शेख और सिलसिले आलिया के मशाइख अपनी तवज्जो और निगाह कायम रखें, तो लाजिम है कि उसी नज्म और जब्त के साथ उनके नक्श कदम पर चलना कायम रखो। इस सिलसिले को आगे बढ़ाओ, इसकी तालीमात पर अमल करो, इन तालीमात की इत्तेबा करो, नक्श कदम पर चलते चले जाओ। दस्त शफकत कभी आपको महरूम ना होने देगा। अगर आप उस राह से, तालीमात से हट जाएं, दुनिया परस्ती में पड़ जाएं, माल कमाने में पड़ जाएं, तकब्बुर गुरूर में पड़ जाएं, एक अजीब नशे में पड़ जाएं, तो नतीजा क्या होगा कि उसका करम भी जाएगा, शेख का दस्त शफकत भी जाएगा। बस जैसे शेख ने अपनी राह पाई, उसी राह पे आप भी चलते चले। वो आपका हाथ पकड़कर जिस मंजिल पे खुद पहुंचा, आपको भी उस मंजिल पे अपने साथ खड़ा कर देगा। अगर आप खुद उस राह से हट गए, तो फिर जिम्मेदारी शेख की नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको और आपको औलिया कराम, मशाइख इज़ाम, हज़रत ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह और तमाम सिलसिला आलिया और जमी सलासिल व तुरक के अकाबिर, सुलहा, औलिया, मशाइख, उनके नक्श कदम पर चलने और दीन मुस्तफ़वी, शरीयत मुहम्मदी और तरीकत और सिलसिले औलिया अल्लाह की तालीमात पर हमा वक्त गामजन रहने की तौफीक अता फरमाए। ये आस्थाने, ये सलासिल जिंदा और आबाद रहें, ताबिंदा रहें, ताकि आका अलैहिस्सलाम के फैज़ान का नूर क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा में फैलता रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।